नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 है, उसका परिणाम है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिनांक 31/8/2022 को ये परिणाम है वो जारी किया गया है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा परिणाम, तो इसमें आप देख पाएंगे कि आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन टीएसपी है उसके 8,974 और जो अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया है उसके 888 और कुल पद है 9,862। तो इन पदों पर है वो जो अंतिम रूप से जो चयनित अभ्यर्थी है उनको है वो दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसी क्रम में उक्त पदों हेतु नीचे अंकित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट है नॉन टीएसपी एरिया के, उन कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रही है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये है वो कट ऑफ है नॉन टीएसपी की। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो जनरल है और ये ईडब्ल्यूएस है, दोनों ही कैटेगरी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। 80 नंबर है वो कट ऑफ रही है जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों की। उसके बाद में एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, एससी और एसटी की 70 रही है, ओबीसी की और एमबीसी की 80, ठीक है। इसी प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो अलग अलग रही है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बीएलवी की 70 है, एचआई की 70 है, एलडीसीपी इनकी 70 है, एमआई एमडी 70 है, एक्स सर्विसमैन की 60 है और स्पोर्ट्समैन की 80 है। और उसके बाद में ये रोल नंबर दे रखे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के जो भी कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हुए हैं, इनके रोल नंबर दे रखे हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसमें भी जो कट ऑफ है वो इस प्रकार से रही है, जनरल की 80, ठीक है, एससी की 70 और एसटी की भी 70। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो रही है वो दे रखी है। और उसके बाद में दोस्तों ये इसमें जो आपके क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र से डिलीट किए गए थे, उन क्वेश्चनों की डिटेल दे रखी है। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्ह का निम्नलिखित सूची से मिलान कर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राप्त अंकों की गणना कर सकते हैं। जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र था उसमें जो सीरीज थी, इन चिन्ह के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी सीरीज कौन सी थी। टोटल आपके क्वेश्चन थे 100, 1 से 100 तक के क्वेश्चन थे। और इसमें जो ये सीरीज है, इस सीरीज में जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ है, इसमें 10 नंबर का, इसमें 8, 24, 2, 4, 7 और 43, ये अलग अलग सीरीज में क्वेश्चन के क्रमांक है जो आपके डिलीट किए गए हैं। उसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें आपके टोटल है वो 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, इसमें भी 1 से 100 तक के क्वेश्चन थे, 6, 15, 91, 97, इस प्रकार से इस सीरीज की क्वेश्चन थी। तो ये टोटल है वो आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। दोस्तों आप है वो www.rsmssb.rajasthan.government.in पर जाकर के है वो अपना ये रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।